हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन खान। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज और विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज जो है वो हम इसको समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है वो शॉर्टकट कीज जो कि एमएस वर्ड में और खासतौर पर एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो काफ़ी सारी तो एमएस ऑफिस में भी यूज होती हैं और ज़्यादातर जो है वो एमएस वर्ड की हैं। आप में से अगर किसी को ये 75 ये हैं कीज जो कि कॉमनली यूज होती हैं, अगर इसकी लिस्ट चाहिए हो तो वो मुझे ईमेल इस ईमेल के ऊपर कर सकते हैं kmasroor505@gmail.com या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको ये लिस्ट सेंड कर दूंगा। और ये लिस्ट जो है ये तकरीबन हर जो कंप्यूटर का सेक्शन जिस भी टेस्ट में होता है उसके अंदर ये आपके काम आएगी लिस्ट। तो चलें इसके स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर वन है, वॉट इज अ शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपी राइट सिम्बल। और ये देखें, आप देख सकते हैं ये कॉपी राइट का सिम्बल है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल सी अल्टर सी या अल्टर कंट्रोल सी। तो हम देख सकते हैं कि अल्टर कंट्रोल और ये सी, यानी कि ये दोनों कीज दबा के रखेंगे और सी दबाएंगे तो फिर हमारे पास ये सिम्बल आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एक वीडियो हम ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन दबाऊंगा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। ये देखें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्टर और सी प्रेस करके दबाऊंगा तो ये देखेंगे सिंबल आ गया है। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, अब देखते हैं। तो ये इसका आंसर है अल्टर कंट्रोल और सी। ये प्लस का मतलब क्या है कि इस की के साथ साथ आपने यही भी दबा के रखनी होगी। देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, द शॉर्टकट कंट्रोल एक्स इज यूज टू, किस लिए इस्तेमाल होता है, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू द सिलेक्टेड टेक्स्ट और प्रेस द कॉपी टेक्स्ट। तो कट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं कंट्रोल एक्स को और मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होगा और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होगा। मैं इसको एक हमें पैराग्राफ चाहिए होगा तो मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, उसका शॉर्टकट होता है। अगर आपको कोई भी रैंडम एक पैराग्राफ चाहिए तो आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू RAND और ये दो ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपके पास पूरा पैराग्राफ ये देखें आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं उठाता हूँ, तो अगर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखें ये यही कॉपी हो जाएगा, और अगर मैं इसको उठाकर कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये देखें ये कट हो जाएगा और कट होके पेस्ट हो जाएगा। यानी कि जब आपने एक चीज को उठा के दूसरी जगह पर रखना हो तो कंट्रोल एक्स या कॉपी कट यूज करते हैं, और सिर्फ इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो कंट्रोल सी यूज करेंगे। पेस्ट दोनों के लिए ये होता है और कंट्रोल वी उसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर थ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्लियर आर फॉर्मेटिंग अभी हम देखते हैं क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल F3, कंट्रोल F6, कंट्रोल टैब एंड कंट्रोल स्पेस, जो कि कंट्रोल स्पेस इसका आंसर है। अभी मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेटिंग क्या होती है। मिसाल अगर मैं इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल U से अंडरलाइन हो गया मेरा, और उसके बाद ये जो की है ये वाला जो बटन होता है क्लियर आर फॉर्मेटिंग का, इसका शॉर्टकट होता है, मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल और स्पेस अब मैं दबाऊंगा तो ये देखेंगे सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर से खत्म हो गई। ये बटन भी दबा सकते हैं और कंट्रोल स्पेस भी दबा सकते हैं, फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। तो आते हैं नंबर फोर की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या यूज होगा, ऑब्वियसली बहुत आसान है ये, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक डाल दूं, इंपॉर्टेंट है ये। F7 जो है वो यूज होता है स्पेल चेकिंग के लिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ F7, और यहाँ पर जो है मैं जैसे F7 दबाऊंगा ये देखिएगा एक ये इसमें कोई डॉक्यूमेंट में कुछ है भी नहीं, तो मैं एक एरर बना देता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि स्पेलिंग आ गई, तो F7 जैसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर ये देखेंगे खुल गया स्पेल चेकर जो है वो इसका खुल गया है, सही। तो ये हो गया स्पेल चेकर F7। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्टकट क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्टकट टू सेव एंड क्लोज अ डॉक्यूमेंट इज। ध्यान में रखिएगा सेव एंड क्लोज दोनों एक साथ हैं, सिर्फ क्लोज के लिए हम अल्टर F4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेव एंड क्लोज भी है। तो अल्टर F3, कंट्रोल सी, कंट्रोल क्यू या फिर कंट्रोल डब्ल्यू या फिर कंट्रोल क्यू। तो बेसिकली कंट्रोल डब्ल्यू जो है हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अगर मैं इसको देखें अल्टर F4 अब मैं दबाऊंगा तो ये देखिए क्या होगा, अल्टर F4 मैंने दबाया तो ये सेव का पूछ रहा है, लेकिन अगर यही काम आप कंट्रोल डब्ल्यू से करेंगे तो वो सेव भी कर लेगा इसको डॉक्यूमेंट को, और इसके अलावा क्लोज भी कर देगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये कंट्रोल डब्ल्यू इसके लिए यूज होता है और अल्टर F4 जो है वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि जितना भी एमएस ऑफिस का पैकेज कर लें या विंडोज के जितने भी एप्लीकेशन कर लें, सब में अल्टर F4 इसी काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देख लेना नंबर 6, शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज। प्रिंट प्रीव्यू के लिए
शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एफ टू, कंट्रोल एफ थ्री, कंट्रोल वी और कंट्रोल अल्टर वी। तो ये है कंट्रोल एफ टू, मैं दिखा देता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा होता है। ये विंडो जो है वो खुली हुई है, अब मैं देखना चाहता हूँ ये प्रिंट में कैसा मुझे नजर आएगा। तो ये देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट में इस तरह से नजर आएगा, और ये प्रिंट का मेरे पास डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो गया। वापस आते हैं नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिप्लेस टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल आर, अल्टर आर, कंट्रोल एच, या ऑल ऑफ द अबव। पहले तो ये समझ लें रिप्लेस क्या है। मैंने कुछ सर्च करना है, सही ना, मैंने ये सर्च किया, कोड को मैं सर्च करूंगा। देखें एफ, कंट्रोल एफ यूज होता है सर्चिंग के लिए, कंट्रोल एफ लिखूंगा तो ये नेविगेशन आ जाएगा, सर्च आ जाएगा। मैंने सर्च नहीं करना, मैंने सर्च के साथ साथ जो है वो रिप्लेस भी करना है। तो मैंने क्या करना होगा, कंट्रोल एफ नहीं दबाऊंगा मैं, बल्कि कंट्रोल एच दबाऊंगा। ये देखें फाइंड के लिए ये है रिप्लेस, कंट्रोल एफ, रिप्लेस के लिए ये होगा। रिप्लेस का मतलब क्या है कि कोई भी आप वर्ड सर्च करेंगे, कोड आपने उसको कैपिटल कर देना है, तो सिर्फ ये कोड लिखेंगे तो ये आपको बता देगा ये फाइंड, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा, ये देखें रिप्लेस कर देगा, कोड को कैपिटल कर दिया इसने, ये देखें। तो रिप्लेस का काम ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्टकट टू अनडू एन एक्शन इज, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है अगर ये अनडू नहीं होता। तो कंट्रोल जेड, ये है इसका कॉम्बिनेशन, बहुत कॉमन है। आपने कोई भी चीज की है, जैसे मैंने ये कैपिटल किया था, अब मैं इसको अंडू कंट्रोल जी करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा, यानी वापस ये एक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए वापस स्मॉल के अंदर आ गया ये, सही और सही। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल काम करते हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्टकट फॉर रीडू एन एक्शन। रीडू का मतलब क्या कि मैंने ये कोड जो है वो चेंज किया था, इसको पहले स्मॉल से कैपिटल किया था, अब फिर वापस स्मॉल कर दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि वापस ये वाला एक्शन हो जाए, तो मैं कंट्रोल वाई यूज करूंगा इसके कॉम्बिनेशन। देखें वापस वही काम हो गया। और यहाँ पर आप कीज अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहले मैं इसको अंडू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों कीज यहाँ पर मौजूद है। ये देखें ये है अंडू का, अंडू टाइपिंग, और ये है रीडू टाइपिंग, यानी कि जो भी मैंने किया था वो रीडू हो जाएगा। तो इसके शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वाई। आगे उसका भी जो है वो, ये देखें ये एमसीक्यू आ गया, रीडू का ये हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें नंबर 10। बाय विच शॉर्टकट यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, किस जो है वो शॉर्टकट की मदद से आप फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास है कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो है वो ग्रेटर देन लेस देन के जो साइन होते हैं, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं कम करने के लिए और ज्यादा करने के लिए। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन जो है वो इंक्रीज करने के लिए, और लेस देन होगा वो डिक्रीज करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या कंट्रोल दिस वन, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला की कॉम्बिनेशन है, सही। अच्छा ध्यान में रखिएगा, पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये मैं दबा रहा हूँ, सही ना। ये देखें साइज ये बढ़ रहा है। अच्छा ये साइज कैसे बढ़ेगा, ये 1 पॉइंट नहीं बढ़ रहा, ये देखें ये 14 है। अब मैं नेक्स्ट जब दबाऊंगा तो क्या होगा, 16 हो जाएगा, यानी कि ये जो इसमें ये जो नंबर है इसको स्क्रोल करता रहेगा, एक एक करके आगे और एक एक करके नीचे बढ़ता रहेगा। 1 पॉइंट नहीं होगा, यानी कि 12 से 13 नहीं होगा, 12 से डायरेक्ट 14 होगा। इसी तरीके से 28 से 36 जाएगा, 28 से 29, 30 वगैरह नहीं जाएगा, ये उसके लिए अलग शॉर्टकट है, वो हम आगे चल के देखते हैं। मैं इसको 12 बल्कि 10 करता हूँ, 8 करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 8 के बाद 9 होगा, ये देखें ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। उसके बाद दोबारा से मैं की प्रेस करता हूँ, 10 हो गया, उसके बाद 12 हो जाएगा, 11, 12 और 14, इस तरह से करके 16, जो इसके अंदर वैल्यूज होंगी वो आएंगी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट, तो अगर मैं जो है वो लेस देन का साइन दबाऊंगा तो ये देखें इसी तरह से जो वैल्यूज इसके अंदर आती रहेंगी वही वाली इसके अंदर जो है वो अफेक्ट के अंदर आती रहेंगी, फॉन्ट का साइज वही होता रहेगा। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन इंक्रीज के लिए, और इसी तरह से डिक्रीज के लिए जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो अभी हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेशन में कंट्रोल शिफ्ट और ये जो लेस देन का साइन है ये इसलिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12। यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय, ये देखें तीन चार तरीके बताए गए, इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं होगा क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को, ध्यान में रखिएगा डॉक्यूमेंट को नहीं एप्लीकेशन को। जैसे कि अल्टर एफ4 दबाएंगे हम क्लोज हो जाएगा, चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, सीधी सी बात है उससे भी क्लोज हो जाता है एग्जिट से, और क्लिक एक्स बटन ऑन द टाइटल बार, यानी कि ये जो बटन इस तरफ होता है यहाँ पर, सही, तो इसको अगर हम दबाएंगे तो ये इस दबा बटन को दबाने से भी क्लोज हो जाएगा। फाइल मेन्यू से एग्जिट को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये क्लोज है इससे नहीं होगा, सही ना। वो हम देख लेते हैं क्यों नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो
ये देखें इसमें क्लोज सब मेन्यू से क्या होगा, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज होगा, ना कि एमएस वर्ड। और इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि एप्लीकेशन एमएस वर्ड की वो कैसे क्लोज होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द की F12 ओपन्स आर, क्या F12 को दबाएंगे, जो फंक्शन की ऊपर जो रो के अंदर मौजूद होती है उसको दबाने से क्या होता है, तो सेव इस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सही, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको करके, यहाँ पर F12 में दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये जो है वो 1 मिनट, ये सेवर्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये वाला, ये हमारे पास ये ओपन हो जाता है। सही, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, अगर हम F8 की को, वही फंक्शन की है स्टार्ट में, अगर हम इसको 3 दफा दबाएंगे तो क्या होगा, क्या सेलेक्ट होगा, तो ये सेंटेंस सेलेक्ट होता है, वर्ड पैराग्राफ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं F8 को 3 दफा मैंने दबाया, ये देखें पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर फुल स्टॉप तक है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं कहीं और रख के दबाऊंगा, ये देखें इसको मैं करके दबाता हूँ 3 दफा, तो जब तक मैं स्केप नहीं करूंगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, और ये F8 को मैं दोबारा से 3 दफा दबा रहा हूँ, ये देखें 1 2 3, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, स्केप करूंगा तो ताकि खत्म हो जाए सिलेक्शन। नंबर 15 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ ट्रेडमार्क सिंबल, TM का जिस तरह से ये जो सिंबल है ये कैसे आएगा, तो हम देख सकते हैं कि ये आसान वही वाला शॉर्टकट है, अल्टर कंट्रोल टी, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये सी का था इसी तरह से ट्रेडमार्क के लिए आएगा, अल्टर कंट्रोल एंड टी जो है TM, ये ट्रेडमार्क लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेल चेकर, स्पेल चेकर के लिए, स्पेलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने करके दिखाया था आपको, F7 जो है वो हम यूज करते हैं। सही, और ये मैंने करके दिखाया था यहाँ पर, F7 से जो ये की इस फी जो है वो ये चेकिंग के लिए जो है वो ओपन हो जाती है विंडो। नेक्स्ट नंबर 17, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सब सुपर स्क्रिप्टेड, सुपर स्क्रिप्टेड ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है ये देखें सुपर स्क्रिप्टेड है, यानी कि ये जो इस तरह से हम फार्मूला वगैरह में हम लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर या क्यूब वगैरह जो भी इधर पावर लगा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पर ये देखें ये भी मौजूद है, ये इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और इसके कॉम्बिनेशन देखें नीचे आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन, जो कि इजिकल टू और प्लस ऊपर नीचे होते हैं, आप प्लस दबा देंगे शिफ्ट है तो वो प्लस हो रहा है, अदरवाइज इजिकल टू का साइन जो है वो काउंट होगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक्स लिखता हूँ, उसके ऊपर उसके साथ मैं 2 लिखता हूँ, उसको शिफ्ट सेलेक्ट किया मैंने और मैंने ये कॉम्बिनेशन दबाया तो ये देखें ऊपर चला गया। और इसी तरह से इसके लिए क्या होगा, बगैर शिफ्ट के हम अगर दबाएंगे तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि ये नीचे हो जाएगा, केमिस्ट्री में अमोन फार्मूला होते हैं तो वो इस तरह से करके लिखे जाते हैं। सही, तो ये इसका जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और इजिकल टू ये वाला ये है इसका ऑप्शन, और इसके बाद हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस और ये इजिकल टू का साइन, अभी हमने देखा था ये वाला जो है इसका इसका जो है वो पूछा जा रहा है, यानी कि ये सब स्क्रिप्ट कर देगा। तो व्हाट डज कंट्रोल प्लस इजिकल टू की डू, तो क्या ये सबस्क्रिप्ट कर देगा। ओके, नंबर 19 देख लेते हैं, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, अब देखें वो हमने क्या किया था, वो जो हमारे वैल्यूज थी ये वैल्यूज जो है वो हम नेक्स्ट चेंज होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो कम ज्यादा हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि 12 के बाद 14 आ रहा था। ओके, मैं करके दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैंने इसको किया कंट्रोल शिफ्ट और मैं ग्रेटर देन का साइन बताऊंगा, देखें 14 के बाद 16 आया, 16 के बाद 18 आया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट कम हो तो मैं फिर जो इस लार्ज ब्रैकेट है मैं इसको दबाऊंगा, कंट्रोल के बाद लार्ज ब्रैकेट। सही, तो कम्बिनेशन हमारा क्या होगा, कंट्रोल और लार्ज ब्रैकेट जो है वो हमने दबाना होगा, ये देखें ये लार्ज ब्रैकेट जो है वो इसका ये वाला जो होगा ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा काम करेगा इंक्रीज करने का और ये हमारा काम करेगा डिक्रीज करने का। सही, ये इसका ऑप्शन है डी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द थिसॉरस, थिसॉरस क्या होता है बेसिकली, ये क्या है, मुझे कोई एक वर्ड है, जैसे मुझे पेस्ट एक वर्ड मैंने ये लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में इसके जो है वो सिनोनियम या एंटोनियम्स जो है, जैसे सिनोनाइम्स या एंटोनाइम्स जो है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये देखें ये मिल जाएगा, ये बहुत हेल्पफुल टूल है उन लोगों के लिए जो कि कंटेंट राइटिंग का भी काम करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से उनको अच्छे वर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे, देखें मुख्तलिफ जो है वो वर्ड जो है वो पेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। सही ना, तो स्टिक करना, पेस्ट करना, ग्लू करना, फिक्स, इंसर्ट वगैरह, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये है, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं शिफ्ट और F7। ठीक है,
ये हम कॉम्बिनेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल जो है वो मैंने बता दिए हैं, और इसके अलावा अगर कोई और जो है इस हवाले से हेल्प चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट लिख के जरूर जो है मुझे बताइएगा। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।